हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे स्टेप वाइज रिफाइनमेंट इन एन एल्गोरिथम। इसका मतलब क्या हुआ? स्टेप वाइज रिफाइनमेंट का मतलब ये हुआ कि जैसे अगर हम कोई एल्गोरिथम डेवलप कर रहे हैं, पहले हम टॉपिक का नाम लिख देते हैं स्टेप वाइज रिफाइनमेंट इन एन एल्गोरिथम। इसमें देखिए क्या होता है कि कंप्यूटर हमें मालूम है कि बहुत पावरफुल मशीन है, कई लाख कई करोड़ इंस्ट्रक्शन पर सेकंड एग्जीक्यूट कर सकता है, सब कुछ कर सकता है। लेकिन जो कंप्यूटर के साथ जो मेन प्रॉब्लम होती है, वो सबसे बड़ी जो मेजर प्रॉब्लम है कंप्यूटर के साथ, वो ये है कि एक तो इसके पास अपना कंप्यूटर के पास अपना कॉमन सेंस नहीं होता है, ठीक। और सेकंड चीज़ क्या है कि ना इसका अपना कोई इंट्यूशन होता है। ये सिंपली चाहे जितनी पावरफुल हो, ये एक मशीन है, आप ये सब काम कर सकती है, बहुत तेज कर सकती है, लेकिन ये तभी तक करेगी जब तक कि इसको इंस्ट्रक्शन ना दिया जाए, ठीक है। तो यानी कि ये सारी जो इसकी क्वालिटीज़ हैं वो वेट करती हैं इंस्ट्रक्शन का। अगर उसको इंस्ट्रक्शन मिलेगा तो वो सब काम कर देगा, नहीं मिलेगा तो वो बैठा रहेगा। तो ये जो डिसएडवांटेज है, एक तो कॉमन सेंस नहीं होता कंप्यूटर के पास, दूसरा इंट्यूशन नहीं होता। तो इसमें क्या होता है कि इससे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि अगर मान लीजिए एक बहुत छोटा एक स्मॉल फॉल्ट भी है प्रोग्राम में, ठीक है, बहुत छोटा फॉल्ट, उसकी वजह से क्या होता है कि पूरा प्रोग्राम जो है नहीं रन करता। मतलब कंप्यूटर उसको अपने आप, कोई उसके पास मैकेनिज्म नहीं है कि वो उसको सेल्फ डिटेक्ट कर सके। तो ये चीज़ जो है सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है अभी आज की डेट में भी कंप्यूटर के साथ। जैसे अभी देखिए रिसेंट ईयर में 15-20 साल पहले जो प्रॉब्लम आई थी, जब हमारा जो ईयर है वो 1999 के बाद जब 2000 की सीरीज शुरू हुई, ठीक है, तो उसमें प्रॉब्लम क्या हुई कि जैसे जहाँ पे जहाँ भी फील्ड्स में जहाँ भी ईयर मान लीजिए हमने डेट डाला, सपोज कीजिए 14 अक्टूबर और 99, ठीक। अब एक साल के बाद ये क्या दिखाएगा, 14 अक्टूबर, और ये 00 दिखाएगा, और जबकि यहाँ पे होना चाहिए था 14 अक्टूबर 2000, ठीक है। तो ये जो जिसको इस प्रॉब्लम को बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, ये इसको कहा भी गया Y2K प्रॉब्लम, ईयर 2000 प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये जो इतनी बड़ी प्रॉब्लम आ गई थी, इसमें कंप्यूटर जो है कुछ नहीं कर पाया था, फिर उसका सोल्यूशन निकालना पड़ा, ठीक। तो इसीलिए देखिए, ये बताने का पर्पस ये है कि इसीलिए जब एल्गोरिथम डेवलप की जाती है, जब भी हम एल्गोरिथम देखो, क्योंकि आपको मालूम है पहले एल्गोरिथम डेवलप करेंगे, उसके बाद उसकी कोडिंग करेंगे, मतलब कि प्रोग्राम बनाएंगे। तो एल्गोरिथम डेवलप करने के लिए और स्पेशली पर्टेनिंग टू द लार्जर एंड कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, जो एल्गोरिथम लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम के लिए बनाई जाती है, उस पे आपको डिज़ाइनिंग जो है वो बहुत ही केयर मांगता है, दैट नीड्स वेरी केयरफुल डिज़ाइन, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक। तो इसीलिए क्या करते हैं कि जब एल्गोरिथम को हम डिज़ाइन करते हैं, ठीक है, व्हेन वी स्टार्ट डिज़ाइनिंग एन एल्गोरिथम, द प्रोग्रामर मस्ट अडॉप्ट सम मेथोडिकल अप्रोच सच एज मॉड्यूलर अप्रोच ऑफ स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग टेक्निक, ठीक है। तो यानी जब भी आप एल्गोरिथम को डिज़ाइन कर रहे हैं, तो आपको कोई ना कोई मेथड एडॉप्ट करना पड़ेगा। जैसे मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग होता है, मॉड्यूलर अप्रोच होता है किसमें, स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग, कि बड़े प्रोग्राम को छोटे छोटे मॉड्यूल्स में डिवाइड कर लेते हैं। स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग की भी देखिए सेपरेट वीडियो पड़ी हुई है चैनल पर, आप रेफर कर सकते हैं, उसमें आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। तो उसको कोई ना कोई जो है एक मेथड एडॉप्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अब जो आज का जो टॉपिक है हमारा, स्टेप वाइज रिफाइनमेंट, मतलब स्टेप बाय स्टेप उसको रिफाइन करना और बेहतरीन क्वालिटी का करना। तो स्टेप वाइज रिफाइनमेंट इज ए स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग टेक्निक दैट यूजेस द स्ट्रेटजी डिवाइड एंड कॉन्क्योर। यानी ये जो स्टेप वाइज रिफाइनमेंट जो आज हम लोग बात कर रहे हैं, स्टेप वाइज रिफाइनमेंट ये किसकी टेक्निक है, ये स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग की ही टेक्निक है, प्रोग्रामिंग की टेक्निक है। और इसका जो बेसिक प्रिंसिपल है वो क्या है, डिवाइड
मतलब बड़ी प्रॉब्लम को डिवाइड कीजिए छोटी प्रॉब्लम्स में और फिर उसकी सॉल्यूशन निकालिए। तो डिवाइड एंड कॉन्क्योर अप्रोच, ये अप्रोच इसमें हम लोग फॉलो करते हैं एल्गोरिथम को डिजाइन करने में। इन दिस टेक्निक द प्रॉब्लम इज डिवाइडेड इनटू ए नंबर ऑफ स्टेप्स, ईच स्टेप इज डिस्क्राइब्ड बाय सच एल्गोरिथम विच इज स्मॉलर एंड सिंपल एज कंपेयर टू द ओरिजिनल प्रॉब्लम या ओरिजिनल प्रोग्राम। तो इसमें भी हम क्या करते हैं कि एल्गोरिथम को हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं डिफरेंट स्टेप में और हर स्टेप को डिस्क्राइब करते हैं एल्गोरिथम में, और जो एल्गोरिथम बहुत ही सिंपल और स्मॉलर होती है। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल आप समझ लीजिए, मान लीजिए ये हमारे पास कोई प्रॉब्लम है, ठीक, उसमें हमने क्या किया, अभी हम आपको एग्जांपल लेके भी समझाएंगे, पहले आप बेसिक समझ लीजिए। हमने स्टेप वन में हमने कहा कि हम ये काम करेंगे और उसके हमने स्टेप 1.1, 1.2, 1.3 ऐसे हमने इसके स्टेप जो है डिस्क्राइब कर दिए। फिर हमने कहा उसके बाद हम स्टेप 2 करेंगे, उसके फिर हम लोगों ने स्टेप डिफाइन कर दिए 2.1, 2.2, 2.3 एंड सो ऑन। ठीक, फिर हमने ऐसे अलग अलग स्टेप्स में डिवाइड कर दिया पूरे एल्गोरिथम को, फिर ऐसे हमारा स्टेप एन आ गया। ठीक है, स्टेप एन को भी हमने अलग अलग छोटे स्टेप्स में डिवाइड कर दिया, एन पॉइंट वन, एन पॉइंट टू एंड सो ऑन। तो इस तरह हम बड़ी प्रॉब्लम को स्टेप्स में डिवाइड कर देते हैं और हर स्टेप को छोटी और स्मॉलर एल्गोरिथम में डिवाइड कर देते हैं। तो इस तरह से हम लार्ज और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को डील कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये तो आपको बेसिक हमने बता दिया, अब इसी चीज़ की आप एक एग्जाम्पल समझ लीजिए। फॉर एग्जाम्पल हमें क्या करना है, मान लीजिए हमने कहा कि हमें कोई टेबल प्रिंट करनी है कंप्यूटर स्क्रीन पे, और वो टेबल हमको इस तरह प्रिंट करनी है कि सपोज कीजिए हमें स्क्रीन पे ये चाहिए, ऐसे आप समझ लीजिए, स्क्रीन पे हमको चाहिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ठीक, इसके बाद जो सेकेंड रो है वो क्या होगा, फर्स्ट रो को 2 से मल्टीप्लाई करना, यानी 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 इस तरह, समझ रहे हैं। फिर थर्ड रो को ऐसे 3 से मल्टीप्लाई करके, यानी 10वीं रो को, 10th रो कैसे आएगी, पहली रो को आप 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 10 हो गया, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100, हमको ये स्क्रीन चाहिए कंप्यूटर पे। तो अब देखिए इसको अगर हमें इसको प्रिंट करने के लिए कोई प्रोग्राम डिजाइन करना है तो उसकी जो एल्गोरिथम बनेगी वो इस तरह बनेगी कि हाउ, पहली जो हमारे पास मेन प्रॉब्लम है वो क्या है, हाउ टू प्रिंट अ टेबल। तो अब देखिए इसका जो सॉल्यूशन हम करेंगे इसी फार्मूले से जो यहाँ आपको बताया है। स्टेप वन में हम क्या करेंगे, मान लीजिए हमने लिखा एल्गोरिथम, ठीक, अब एल्गोरिथम में हमने पहले लिखा स्टेप्स वन, ठीक, स्टेप वन में हमने क्या किया, पहली एल्गोरिथम में हमने लिखा रो इज इक्वल टू वन, रो इज इक्वल टू वन, सेकेंड पे हमने लिखा प्रिंट द रो, यानी ये पता चल जाए कि रो नंबर वन है तो हमने लिखा प्रिंट द रो, ठीक है, ये प्रिंट कर दिया हमने। थर्ड स्टेप पे हमने लिखा कि रो को अब हमने बढ़ा दिया, यानी रो इज इक्वल टू रो प्लस वन, अब यानी रो प्लस वन मतलब 2 हो जाएगा। ठीक, फिर ऐसे करते करते जब बढ़ता जाएगा तो हम चेक करेंगे कि भाई 10 से पार ना हो, हम ये चेक करेंगे इफ रो इज लेस देन और इक्वल टू 10, तभी तो आप इसको रिपीट करिए। तो हम लिख देंगे रिपीट स्टेप 2 एंड 3, ये क्लियर हो गया, स्टेप 2 एंड 3 ये क्लियर हो गया होगा आपको कि रो नंबर वन वो प्रिंट कर देगा, रो नंबर फिर 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, फिर वो चेक करेगा कि 2 जो है छोटा है 10 से, फिर यही करेगा, फिर 3 छोटा है 10 से, जब तक ये 10 तक रहेगा तब तक ये दोनों स्टेप रिपीट होते रहेंगे। ठीक, पहला देखिए ये पहला तो ये हो गया कि हम रो कैसे प्रिंट
प्रिंट करेंगे, ठीक। अब उसके बाद क्या होगा कि अब ए क्लोजर लुक एट द प्रॉब्लम सजेस्ट दैट ए रो इज नथिंग बट ए कलेक्शन ऑफ कॉलम्स एंड वी हैव टू प्रिंट ओनली 10 कॉलम्स फॉर ईच रो। हर एक रो में आपको 10 कॉलम चाहिए। तो अब इसके लिए जब आप एल्गोरिथम लिखेंगे तो देखिए आप क्या लिखेंगे इसमें, ये आपने लिखा एल्गोरिथम, फिर आपने लिखा है स्टेप वन। स्टेप वन में आप क्या करेंगे, आपने लिखा, ठीक है, स्टेप वन में आप क्या करेंगे कि आपने लिखा रो इक्वल टू वन। अब स्टेप टू में देखिए क्या करेंगे, स्टेप टू में आपने क्या किया, स्टेप टू वाले को आपने कई पार्ट में तोड़ लिया, यानी 2.1 में क्या किया आपने, कॉलम को आपने असाइन किया वन, ठीक। फिर 2.2 में आपने क्या किया, वैल्यू जो आपने लिखी, वैल्यू इज इक्वल टू रो इनटू कॉलम। देखिए एक इनटू एक, ये पहला एक आ गया, ये पहला वन प्रिंट हो गया। फिर इसके बाद क्या होगा, प्रिंट द कॉलम, तो हमने प्रिंट कर दिया, प्रिंट द कॉलम प्रिंट हो गया। फिर हमने कॉलम को बढ़ा दिया 2.4, हमने कहा कॉलम इज इक्वल टू कॉलम प्लस वन कर दिया, अब क्या हो गया, 2 हो गया। अब यहाँ पे हम चेक करेंगे कि कॉलम 10 से तो नहीं पार कर गया, तो 2.5 में हम चेक करेंगे इफ कॉलम इज लेस देन इक्वल टू 10। रिपीट करिए 2.2 और 2.3, रिपीट स्टेप 2.2 एंड स्टेप 2.3। तो यानी कि ये तब तक रिपीट होता रहेगा जब तक कॉलम की वैल्यू 10 नहीं हो जाती है, 10 के बाद जब 11 होगी तब ये रुक जाएगा, ठीक। यहाँ तक हो गया 2.5 और 2.6 में आप लिख दीजिए। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। 2.6 पे हम क्या लिखेंगे, 2.6 पे हमने लिख दिया गो टू न्यू लाइन, ताकि हर नई लाइन में आता है गो टू न्यू लाइन, ठीक है। तो नई लाइन में नई वैल्यूज आती जाएगी। अब जब एक रो पूरा हो जाएगा तो हमने क्या किया, हमने स्टेप थ्री दिया, स्टेप थ्री। स्टेप थ्री में क्या हो जाएगा, स्टेप थ्री में हो जाएगा रो को हमने बढ़ा दिया, अब रो को रो प्लस वन अब सेकेंड रो में आ जाएगा, ठीक। फिर रो को भी चेक करने पड़ेगा, 10 से ज़्यादा नहीं जाना है। तो फिर आप लिखिए यहाँ पे इफ रो इज लेस देन इक्वल टू 10, रिपीट स्टेप 2 एंड 3, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि ये बार बार 1, 2, 3, 4 करके ये प्रिंट करता रहेगा। अब इसमें क्या होगा, अब देखिए अब इसमें एक चीज रह गई कि नाउ आवर कंसर्न इज हाउ टू प्रिंट ए कॉलम, ठीक। तो कॉलम को कैसे आप प्रिंट करेंगे, तो कॉलम को प्रिंट करने का तरीका ये है कि आप सिंपली इसको, आप उसके लिए एल्गोरिथम, जब आप लिखेंगे एल्गोरिथम तो मान लीजिए आपने कहा स्टेप वन में आपने क्या किया, रो इक्वल टू वन, ठीक। स्टेप टू में क्या करेंगे, आपने 2.1 में लिखा कॉलम इक्वल टू वन, फिर 2.2 में आपने क्या प्रिंट कर, आपने लिखा, सॉरी ये हटा दीजिए यहाँ पे, ठीक है। 2.2 में आप क्या लिखेंगे, प्रिंट रो इनटू कॉलम एंड प्रिंट ए स्पेस, ताकि जगह रहे दो कॉलम पे, प्रिंट ए स्पेस, ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद कॉलम आप बढ़ा दीजिए, तो आपने लिखा कॉलम इज इक्वल टू कॉलम प्लस वन, कॉलम की वैल्यू आपने बढ़ा दी। फिर आपने चेक किया कि भाई 10 से ज़्यादा तो नहीं हुआ, तो आपने चेक किया इफ, देखिए कॉलम इक्वल टू, अच्छा 2.3 ये हुआ, 2.4 यहाँ पे आप चेक करेंगे इफ कॉलम इज लेस देन इक्वल टू कितना, 10, रिपीट स्टेप्स 2.2 एंड 2.3, इसको रिपीट करेंगे।
फिर 2.5 में क्या चेक करेंगे, 2.5 में चेक करेंगे गो टू, लिखेंगे हम गो टू ए न्यू लाइन। और फिर स्टेप थ्री में जब एक रो पूरी हो जाएगी तो हम रो की वैल्यू बढ़ा देंगे, तो लिख देंगे रो इक्वल टू रो प्लस वन। और फिर स्टेप फोर में हम चेक करेंगे इफ रो इज लेस देन इक्वल टू 10, रिपीट स्टेप टू एंड थ्री, रिपीट स्टेप्स टू एंड थ्री। तो ये जो आएगा आपका कि नाउ एट दिस पॉइंट द प्रोग्रामर स्टॉप्स एट द स्टेज वेर ही फाइंड दैट द स्टेप इज ट्रिवियल इनफ टू इम्प्लीमेंट। अब ये जो फाइनली निकल के आई है एल्गोरिथम, देखिए ये जो है प्रोग्रामर देखेगा कि हाँ भाई इससे काम परफेक्ट हो रहा है। कैसे परफेक्ट हो रहा है वो देखिए, मैं लगे हाथ स्क्रीन पे जो आएगा वो भी मैं आपको शो करता जा रहा हूँ। यहाँ से क्या होगा, पहले स्टेप से रो इक्वल टू वन उसने दे दिया, कॉलम इक्वल टू वन दे दिया। अब रो इंटू कॉलम मतलब वन इंटू वन, तो वन इंटू वन मान ली, हम मान ली सपोज कीजिए ये हमारी कंप्यूटर की स्क्रीन है, यहाँ हमने जगह बना दिया, हम नेक्स्ट स्लाइड पर नहीं जा रहे हैं, यहाँ आपको समझने में आसानी रहे। तो प्रिंट रो इंटू कॉलम, वन प्रिंट हो गया, फिर प्रिंट स्पेस, अब स्पेस हो गया, अब कॉलम को क्या किया उसने, कॉलम प्लस वन कर दिया, मतलब वन प्लस वन टू हो गया। 2.4 में उसने चेक किया, टू इज लेस देन इक्वल टू 10, फिर वो 2.2 पे गया, तो क्या हुआ, अब फिर उसने रो की वैल्यू तो वन ही है, कॉलम दो हो चुका, दो इक्कम दो प्रिंट कर दिया। फिर चेक करेगा, फिर तीन इक्कम तीन, ऐसे प्रिंट करता चला जाएगा। और जब ये 10 तक पहुंच जाएगा तो यहाँ पे कंडीशन चेक होगी कि जैसे ही 10 के बाद ये इसको 11 करेगा तो यहाँ आ जाएगा गो टू न्यू लाइन, तो यहाँ आ जाएगा कर्सर, गो टू न्यू लाइन में क्या होगा, रो की वैल्यू प्लस वन, मतलब अब रो हो जाएगा टू, और टू के बाद फिर कॉलम वन, तो दो इक्कम दो, फिर दो दूनी चार, तो ये आपका टू, फिर फोर, फिर सिक्स, फिर ऐसे ही जाएगा आपका 20 तक प्रिंट करेगा। फिर नेक्स्ट लाइन में आएगा, फिर आपका तीन, फिर हो जाएगा आपका कितना, इसको तीन दूनी छः, तीन तिया नौ, एंड सो ऑन, ऐसे ही आपका 30 तक चला जाए, ऐसे ही रो बढ़ता जाएगा, ये 10 तक जाएगा, और इधर 20, 30 ये कॉलम में बढ़ता जाएगा, ये 100 तक चला जाएगा। तो इस तरह से ये स्टेप बाय स्टेप रिफाइन करके ये लगभग एक परफेक्ट एल्गोरिथम जो है प्रोग्रामर अचीव कर लेगा। तो इसी मेन यही चीज़ आपको समझानी थी कि इस तरह स्टेप बाय स्टेप करके बड़ी प्रॉब्लम को रिफाइन करके हर एक स्टेज में एक बार दो बार तीन बार उसको रिफाइन करते जाते हैं अनटिल अनलेस की सफिशियंट एक्यूरेसी के साथ हमको रिजल्ट नहीं मिल जाता। ठीक, तो आई होप कि आपको एल्गोरिथम कैसे डेवलप की जाती है ये क्लियर हो गया होगा। और जब एल्गोरिथम सही डेवलप हो जाती है तो फिर किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उसी को कोडिंग कहते हैं, तो वो प्रोग्रामिंग हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये वीडियो कंटेंट पसंद आया होगा। अगर वीडियो कंटेंट पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए ताकि जब भी नेक्स्ट वीडियो डाली जाएगी उसकी इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत मिल जाए। Thank you.